भोटा के लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पांडवी पंचायत के गांव के सरकारी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के डॉक्टर पर ग्रामीण ने इकट्ठे होकर नारेबाजी की और कहा कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हेराफेरी नहीं चलेगी और कहा कि इस डॉक्टर को तुरंत निकाला जाए। अगर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह चुनावों का बहिष्कार करेंगे। पिछले कल डिस्पेंसरी के सफाई कर्मचारी के साथ बहस हो गई, उसके बाद सीमा देवी बेहोश होकर नीचे गिर गई। इसके बाद सीमा देवी को भोटा PHC हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां से हमीरपुर मेडिकल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। सफाई कर्मचारी सीमा देवी ने कहा कि डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा उसे क्वार्टर में काम करने के लिए बोलती हैं। जब उसने घर पर काम करने से मना किया तो डॉक्टर ने उसे हर रोज प्रताड़ना शुरू कर दिया। ग्रामवासियों ने भी डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तुलसी देवी ने कहा कि उसे 103 बुखार था तो डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, उसने कहा कि हमीरपुर जाकर दवाई ली। वहीं प्रकाश चंद का कहना है कि जब वह दवाई लेने गया तो कहा कि नहा कर आओ, आपसे बदबू आ रही है। मतलब गाणी गुण लगे देने, इसके बाद ये आए मिंजो ने बोलिया इतनी पे रूंगी चक्कर आने फिर लगे मिंजो मारने लगी रूंगी मिंजो नहीं हकल पता कितने मारे आपका शुभ नाम सर। कल जब मैं हॉस्पिटल आए तो यहाँ पे दीदी पड़ी हुई थी, यहाँ पे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में आए पहले। हाँ जी, बेहोश थे और इन्होंने मेरे को बोला कि बाहर निकलो। मैंने क्यों निकले, हमारा पेशेंट अंदर पड़ा है। तो इन्होंने मेरे को ऐसे धक्का दिया और फिर मैं अगर पहले इन्होंने मेरे को धक्का दिया फिर मैंने भी इनको पीछे किया और ये झूठ बोल रहे कि मैं इन्होंने पहले मेरे को हाथ लगाया था, मैंने लगाया इनको हाथ से पकड़ा आपको। हाँ ऐसे कि इन्होंने हाथ मेरे को पीछे किया और बाहर निकलो, हमारा पेशेंट अंदर पड़ा हुआ था मरने के हाथ में और मेरे को बोलती गेट आउट बाहर जाओ जाओ। हाँ जी सर, मेरा नाम कंजन शर्मा है। भाई साहब इसका रजिस्टर चेक किया जाए, ये किसी मरीज को दवाई नहीं देती है, ठीक है जी। और इसका रजिस्टर चेक किया जाए, यहाँ जब इसके पास मरीज आता है तो बोलती है मेरे पास दवाई कोई नहीं, पढ़ भी चले जाओ। कितने मरीज आते हैं आपके हिसाब से यहाँ? यहाँ से रोज 5-7 तो 10 आ ही जाते हैं। और ये कितने रजिस्टर में शो करती है? ये तो 15 मेरे ख्याल 15 बताया, सुना मैंने 15 का बताती है। दवाई वगैरह मिलती है यहाँ? कुछ नहीं मिलते यहाँ, देती नहीं दवाई, बोलते है नहीं, पढ़ भी चल जाओ। बीमार है बहुत ज्यादा, मुझे बुखार है जो मैंने मैं करे दरअसल फिर मेरे पास नहीं किया, मैं करे खोल रहे हॉस्पिटल मैंने नहीं हॉस्पिटल खोल रहे मैंने मुझे 10 ही में तो दुआ। उसके बाद बोलिया भाई कि मतलब ऐसा है भाई मेरे में बुखार बहुत ज़्यादा है कि मुझे कोई दुआ दी भाई, मेरे सांस प्रॉब्लम आखिर हमारे पास कोई दवाई नहीं है। उसके बाद मेरे को 2 मिनट किया, मेरे को 15 सेकंड बैठ किया, उसने बोला यहाँ से चले जाओ आप, काम क्यों बैठे हैं आप। फिर मैंने बोला कि मैंने भी कोई डिस्पेंसरी है या कोई चौधरी को करती हूँ मैं, तो फिर मैंने फिर जवाब लिखे तो मेरे को दवाई नहीं है आपके पास, बोले दफा हो यहाँ से। मुन्नी को लेकर गया तो बोले इसके नाक बग रहा है, इसे मुझे नफरत की चू आ रही है, बोले आ रही है बच्चों को देख के, बोले मेरे को उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है बच्चों को सर। बच्चे नाक में खून बह रहा था, खून नहीं सर, नाक इसको नाक भगा हुआ था। अच्छा अच्छा, इसको सर्दी हुई थी सर इसको ना। अच्छा, इसका नाक बह रहा था, बोले इसको देखकर छी आ रही है सर। बच्चों छोटे छोटे बच्चों को तो लेकर आ नहीं सकते इस डिस्पेंसरी में। मैंने ना चली डाली थी सड़क के किनारे दूसरी तरफ। अच्छा, तो इसने क्या किया कि पुलिस ले आई। अच्छा, मैं नहीं आपको जानती हूँ, हमारा उस टाइम नौजवान बच्चा मरा हुआ था। अच्छा, चली यहाँ पर डाल दिया है। एक मिनट रुको, बोल की बात करो। इन्हें चली के साथ फोटो लिया, पता नहीं कहाँ से लिया, हमें कोई पता नहीं, झूठी रिपोर्ट बना के इन्होंने हमें पुलिस ले आए। फिर मैंने बोला बेटा आप हमारी लड़कियों जैसी हो, तो इसने बोला कौन लड़की, मैं तो डॉक्टर हूँ। अच्छा, दवाई देने बाद कहते हैं सामने, कहती है गेट आउट, मुझे टाइम नहीं है, मेरा लड़का सोया है, जब लड़का उठेगा तब दवाई देनी, दवाई देनी भाई। और क्या बोलते हैं, दवाई देनी और गाली गलौज करती है। गाली क्यों होती है आपके साथ की, गाली मतलब मेरे पास मुझे तो पुलिस जाए। इसने कब हमारे पास दोनों एक ही का किस्मत थी, पुलिस ले आई इसने, मेरे पर गाली केस बना दिया इसने। वहीं डॉक्टर मीनाक्षी का कहना है कि उसने घर पर मेड रखी हुई है, मैंने कभी सफाई कर्मचारी से घर का काम नहीं करवाया और ना ही मरीजों से कभी दुर्व्यवहार किया है और मैं हर रोज समय पर आती हूँ।
मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र चौंतरा में कार्यरत हूँ। मेरी जो स्टाफ है क्लास 4 एम्प्लॉय, कल यहाँ पे दोपहर के बाद फेंट होके गिर गए, तो मैंने उनको जो भी प्राथमिक उपचार था वो दिया, उनका बीपी चेक किया, उनकी पल्स देखी, उनको ड्रिप लगाई, उनकी शुगर चेक की, जो सारे वाइटल से वो नॉर्मल थे। इसके बाद मैंने उनको PHC रेफर कोटा रेफर किया, और जैसे ही उनके अटेंडेंट्स आए उन्होंने मेरे को फिजिकली हार्म करने की कोशिश की और मुझ पर ब्लेम लगाए गए। दे क्लेम्ड कि मैंने उसको थप्पड़ मारा है, मैंने उसको फिजिकली असॉल्ट किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे फार्मेसिस्ट जो अदर स्टाफ है वो भी यहाँ प्रेजेंट थे, उनके सामने ही सारी बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जब उनके हस्बैंड को, उनके रिलेटिव्स को मैं रिक्वेस्ट करती रही कि आप इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए PHC कोटा ले जाइए या एम्बुलेंस को कॉल करिए, तब भी वो मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी उसे लेके नहीं जा रहे थे। वो कह रहे थे हम इसे यहीं मरने देंगे, आज हम इसे यहीं मरने देंगे। और इन बिटवीन उन्होंने बहुत यहाँ लोकल पब्लिक गैदर कर ली, क्योंकि वो पिछले 16 साल से जो एक क्लास 4 है इसी गांव में है, इसने चौंतरा में ही सर्विस की है लास्ट 17 ईयर से, इसकी कहीं ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो इसकी लोकेलिटी में जो इसने अपनी एक मतलब स्ट्रॉन्ग इसने वो बना के रखा है कि इसने लोकल को कॉल कर दिया, और जो लोग थे वो आके मेरे पे इतने हावी हुए, इतना मुझे मेंटल हरास किया, मेरे को इवन पुल किया। और आज जब मेरे ऑफिसर यहाँ पे आए हैं इस चीज़ इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, तब भी उसने वही रिपीट किया कि पब्लिक को गैदर कर लिया है, यहाँ पे नारे लगवाए जा रहे हैं, झूठे लोग आए हैं जिनको मैंने देखा ही नहीं पिछले 3 साल से, वो लोग आके यहाँ नारे लगवा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर की सेफ्टी कहाँ है, जो उसके अटेंडेंट्स हैं वो हमें खींच रहे हैं जबकि हम अपना काम कर रहे हैं, हम उसको स्टाफ नहीं देख रहे हैं, हम उसको पहले मरीज देख रहे हैं कि अगर वो HC में पेंट हुई है तो उसको हर ट्रीटमेंट दी जा रही है। उसके बाद जब वो रेफर टू PHC की है तो उसी का बेटा यहाँ आके बयान दे रहा है कि जो भुट्टा में डॉक्टर बैठे हैं वो भी ऐसे ही हैं, बोला वो भी ट्रीटमेंट नहीं देते, उन्होंने भी बस एक इंजेक्शन लगा दिया। मतलब कब तक हम डॉक्टर्स ये सहन करते रहे, 6 साल की पढ़ाई के बावजूद कि हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, और हम पे ये लोग फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। वहीं BMO आयुर्वेदिक नरेश कुमार का कहना है कि वे मामले की छानबीन करने आए हैं, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी के बीच झगड़ा हो गया और ग्रामीणों ने भी डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगाए हैं और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। कल जो था ना, कल 5 बजे के करीब जो ना जिला अधिकारी डॉक्टर सरिता राणा जी का मुझे जो आदेश हुआ कि ऐसे ऐसे आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र चंद्रा में जो है क्लास 4 और डॉक्टर का जो है आपस में वैचारिक मतभेद हुआ है, तो आप उसको देखो कि क्या कर रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में जो मैं यहाँ आया हूँ, सभी की स्टेटमेंट ले रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगा है कि आपस में ही इनका जो तनातनी थी उसके कारण ये डिस्प्यूट बढ़ा है। तो हम चाहेंगे कि फ्यूचर में जो है वो ऐसा डिस्प्यूट इनमें जो है वो ख़त्म हो जाए और स्वास्थ्य केंद्र जो है वो ठीक ढंग से काम करे, और ऐसे ही जो समस्या जो है वो दोबारा हमारे ध्यान में ना आए, यहीं ख़त्म हो जाए। तो गांव वाले लीगेशन लगा रहे हैं, गांव वाले हैं तो उसके बारे में हम सरकार को अवगत कराएंगे। थैंक यू जी।